प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस को पूरे देश में बीजेपी बड़े धूमधाम के साथ मना रही है। सेवा सद्भाव से नाम दिया गया, और अगर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। तमाम जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो और लोग हैं, वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में इस वक्त शामिल भी हुए हैं, क्योंकि प्रदर्शनी में जिस तरीके से पैम्फलेट लगाए गए हैं उसमें ऐसे जो काम है, कुछ ऐतिहासिक काम जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के लिए किए गए हैं, उन तमाम चीज़ों की पूरी व्याख्या और पूरी तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, ताकि तमाम लोग जो है उसको देख सकें। और तमाम चीज़ें, चाहे आतंकवाद से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ थी उनको मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, जनता के लिए जो ड्रीम बिग वाटर ग्रिड की बात हो, या फिर तमाम स्टार्टअप इंडिया की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो, ये तमाम जो प्रधानमंत्री की ओर से जो बड़े यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं देश हित में, उन तमाम निर्णयों की प्रदर्शनी है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनी वो देखने भी आए हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को पूरे देश में मनाया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं जोगन जी कि यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, लोग देख रहे हैं तमाम चीज़ें, जो निर्णय लिए गए खास तौर पर उनकी पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री सरदेश श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने जो अपने जन्मदिवस को एक सेवा पखवाड़े के रूप में निरंतर वो सभी से ये आग्रह करते हैं, सेवा ही संगठन के माध्यम से, ये सेवा पखवाड़े के माध्यम से आज जो ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इससे हमारे नौजवान नौनिहाल और हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मोदी जी जैसा भारत माँ का सच्चा सपूत कैसे 40 साल से निरंतर 24 घंटे में से 18 घंटे बिना थके बिना रुके माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के मूल मंत्र पे जो काम कर रहे हैं, वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आम जनमानस का जीवन कैसे समृद्धशाली हो, कैसे वो ससम्मान आत्मनिर्भर भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, इसी के लिए सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो विचार परिवार है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सेवा भाव से जो रचनात्मक काम, समाज को जोड़ने का काम, जो अभी आपने G20 में देखा है, अपने वसुदेव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिना की जो हमारी संस्कृति है उस पे चलते हुए माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाना है, और हमें अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करते हुए पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरो के वन, जो उन्होंने अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली अवर फैमिली का जो एक नारा दिया, ये अपनी वसुदेव कुटुम्बकम की जो संस्कृति है इसको हम आत्मसात करके, और आपसी जो हमारा दलगत राजनीति से, मैं तो और लोगों को ही बोलूँगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये एक विश्वगुरु भारत के लिए, माँ भारती को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए, और हमारे जो दबे कुचले वंचित पीड़ित अभावग्रस्त लोग थे उनको ससम्मान हम आत्मनिर्भर बनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ उन तक पहुँचे, तो मैं समझूंगा कि ये जो हमारा सेवा पखवाड़ा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिन रात समाज के लिए काम करता है, ये तभी सार्थक होगा जब हम अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर अगर तस्वीरें आप देखें तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो निर्णय प्रदेश पूरे देश हित में लिए गए हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया है। चाहे दिव्यांगजनों की बात हो, VIP कल्चर को ख़त्म करने की बात हो, तो आज़ादी के बाद पहली बार बड़ी सोच और बड़े परिणाम, इस तरीके के जो बड़े बड़े पोस्टर हैं वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में हैं, और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में इसी तरीके से मनाया जा रहा है। रवि कैंथुरा, देहरादून।